इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लैपटॉप के बारे में जिसका नाम होने वाला है HP Victor इंटेल कोर i7 12th जनरेशन। इससे पहले मैं आपको HP Victor के लैपटॉप के i5 12th जनरेशन के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसका प्रोसेसर जिसमें i5 12th जनरेशन था जिस लैपटॉप में, इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ i7 12th जनरेशन, उससे थोड़ा सा अपग्रेड है ये वाला लैपटॉप, तो इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा सा और हैवी वर्क करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा और कुछ अपग्रेड चीजें आपको चाहिए, तो वो आपको इस लैपटॉप में मिलने वाली है जो कि HP का विक्टर सेम है। आप i5 12th जनरेशन के साथ भी जा सकते हैं और i7 12th जनरेशन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा और मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग अगर आपको बढ़ानी है तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो सकता है। तो वीडियो को पूरी और एंडिंग तक देखिएगा ताकि आज आपको इस वीडियो में इस लैपटॉप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर ऐसी ही लैपटॉप रिव्यू वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड हैं, अलग अलग लैपटॉप संबंधित जानकारियाँ जिन वीडियोस में मैं आपको देता रहता हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा और वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा ताकि हर एक जानकारी मिल सके, कोई भी जानकारी मिस ना हो। देखिए दोस्तों, आजकल क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हमेशा लैपटॉप परचेज करना चाहिए, कंप्यूटर भी परचेज करना चाहें, आपकी जो रिक्वायरमेंट, आप जो वर्क करते हैं आपको वर्क सफिशियंट तरीके से होना चाहिए, ना कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और आप बहुत ज्यादा लोएस्ट क्वालिटीज वाले, या फिर उसमें रैम बहुत ज्यादा कम होती है, प्रोसेसर सही नहीं होता है, ग्राफिक कार्ड नहीं होता है ना, SSD स्टोरेज नहीं होती, सही क्वालिटीज की ट्रांसफर स्पीड सही नहीं होती, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप नॉर्मल वर्क करते हैं आपके लैपटॉप से कंप्यूटर से, तो आप नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है जिस तरीके से आपका सफिशियंट काम हो सके उस प्रकार से आप परचेज करिए, नहीं तो आपको अगर हैवी की जरूरत है तो आप हैवी परचेज करने की कोशिश करिए। देखिए बात करते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है, लगभग इसकी प्राइस जाने वाली है 80-85 हज़ार के बीच में इस लैपटॉप प्राइस होने वाली है। तो हम डिटेल में की बात कर लेते हैं कि क्या इसका जाने वाला है पूरा डिटेल मामला, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी सबसे पहले फीचर्स की और स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं और फिक्स्ड प्राइस की वीडियो के एंडिंग में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें i7 का प्रोसेसर है वो भी 12th जनरेशन के साथ, 16 GB की DDR4 रैम है, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है, 1 TB SSD है और 15.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। डिस्प्ले का साइज भी शानदार देखने के मिल रहा है, नॉर्मल लैपटॉप्स के साथ मैंने देखा है लगभग आपको 13 से लेकर 16 इंचेस तक की लैपटॉप्स की साइज देखने के लिए मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन चलने वाली साइज जो होती है वो होती है 15 इंचेस और 15-16 इंचेस, ये 15.6 15.4, ये लगभग मैंने हर लैपटॉप के साथ देखी है, लगभग 80 से 90% यही साइज ज्यादातर आपको देखने के लिए। अब देखिए डिटेल्स में अगर बात करते हैं इसकी, तो इसमें स्पेसिफिकेशंस होने वाली है, सील पैक्ड मिलेगा, लैपटॉप पावर अडाप्टर, यूजर कार्ड, वारंटी डॉक्यूमेंट्स साथ मिलने वाले हैं, आपको मॉडल का नेम होने वाला है यहाँ पे सीरीज विक्टर्स, कलर होने वाला है परफॉर्मेंस ब्लू, टाइप होने वाला है गेमिंग लैपटॉप सुटेबल फॉर गेमिंग के लिए होने वाला है, बैटरी बैकअप अप टू 7 hours एंड 45 मिनट्स मिलेगा, बैटरी सेल 3 सेल होने वाले हैं। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर, देखिए प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर की अगर बात करते हैं तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल देखने के लिए मिल रहा है, GDDR6 का 4 GB रैम के साथ ग्राफिक कार्ड मिलेगा और इसमें प्रोसेसर का ब्रांड होने वाला है इंटेल। देखिए इंटेल के प्रोसेसर जो होते हैं लगभग मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा टिकाऊ प्रोसेसर देखे जाते हैं, है ना, जिसमें कोर i7 12th जनरेशन इसमें डाला हुआ है, SSD यस 1 TB की SSD है और 16 GB की रैम देखने के लिए मिल रही है, रैम का टाइप होने वाला है DDR4, प्रोसेसर का वेरिएंट होने वाला है 12650H, क्लॉक स्पीड होने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.7 GHz के साथ, NVIDIA GeForce RTX 3050A इसमें ग्राफिक कार्ड डाला हुआ है, 3050 शानदार 40 की सीरीज और होती तो और ज्यादा इसका ग्रेटनेस देखने के लिए मिलती ग्राफिक की, लेकिन 30 की सीरीज भी बहुत शानदार देखने के लिए मिलती है, तो 3050 ग्राफिक कार्ड भी बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस में क्वालिटीज में अच्छा देखने के लिए मिलता है। स्टोरेज की टाइप होने वाली SSD, ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला विंडोज 11, पोर्ट एंड स्लॉट फीचर्स की अगर बात करते हैं तो 1 USB पोर्ट टाइप ए का मिलने वाला है इसमें, और मतलब बात कर लेते हैं तो 3 आपको टाइप ए के स्लॉट्स मिलने वाले हैं और आपको 1 टाइप सी का पोर्ट्स देखने के लिए इसमें मिलने वाला है, HDMI पोर्ट ई का अलग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। डिस्प्ले एंड ऑडियो फीचर्स, टच स्क्रीन ये नहीं है, स्क्रीन का साइज होने वाला है 15.6 इंचेस की इसकी साइज है, इसके बात करते हैं इसकी फुल HD 144 हर्ट्ज के साथ इसकी रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल रही है, स्पीकर यस
इंटरनल माइक भी इसके अंदर ही देखने के लिए आपको मिल रहा है। कनेक्टिविटी फीचर वायरलेस ले मिल रहा है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल रहा है, वाईफाई 6 इसमें नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, एक लेटेस्ट 5.4 भी आजकल मार्केट में चल रहा है, 5.3 है सफिशेंट है, जो कि अच्छी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आसानी से और स्पीड भी आपको प्रोवाइड करवा सकता है। 2.29 kg वेट है, सफिशेंट वेट है, लगभग इस क्वालिटीज के साथ इसमें जो वेट है वो सफिशेंट है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इसमें डला हुआ है 3050, तो उसके वजह से थोड़ा सा वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, नहीं तो नॉर्मल और ज़्यादा कम हो सकता था। एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो डिस्क ड्राइव नॉट अवेलेबल, बैक कैमरा जो कि HD कैमरा है, कीबोर्ड फुल साइज बैक लेफ्ट परफॉर्मेंस ब्लू कीबोर्ड विद नंबरिंग कीबोर्ड के साथ, वारंटी 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिल रही, वारंटी सर्विस टाइप ऑन साइट, कवर्ड प्रिंट वारंटी, मैनुफेक्चरिंग डिफेक्ट कुछ रहेगा तो ये कवर्ड रहता है, नॉन कवर्ड इन वारंटी फिजिकल डैमेज कोई कवर्ड रहेगा जिसमें कवर्ड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं, क्या फीचर्स होने वाले हैं। हम ऐसी बात करते हैं कि इसमें प्राइस क्या होने वाली है, लगभग 82,000 इसकी अभी ऑनलाइन प्राइस देखने के लिए मिल रही है, 82,000 इसकी प्राइस होने वाली है ना। आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग आपको प्राइस देखने के लिए मिल सकती है, है ना। आप ट्राई करेंगे अलग अलग जगहों पे, आप ऑफलाइन एरिया में, ऑफलाइन ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको प्राइस में डिफरेंट डब्ल्यू देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पर भी आपको बेस्ट रेट मिले, बेस्ट क्वालिटी मिले, है ना, बेस्ट चीज़ मिले, वहाँ से आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मेन होता है क्वालिटी और वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके, बेस्ट क्वालिटीज वाली चीज़ें मिल सके। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है इस प्रकार से, तो आप HP में क्वालिटीज़ भी हैं, HP के मतलब हर एक लैपटॉप में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अलग हर एक लैपटॉप हर एक कंपनी अपने लिए अलग अलग जानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस लैपटॉप को परचेज करना और कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं मेरी यूट्यूब फैमिली में मेरी ऑडियंस को एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जानकारी दे सकूँ, उनको कुछ सिखा सकूँ, है ना। तो प्लीज़ आप वीडियो से जुड़े रहिए, ताकि और कोई भी अगर आपको कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो कमेंट कर सकते हैं, भेज सकोगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको एक एजुकेशन बढ़ा सकूँ, आपकी नॉलेज बढ़ा सकूँ, आपको जानकारी अच्छी चीज़ दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट लैपटॉप रिव्यू वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लैपटॉप रिव्यू वीडियो देकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।